टेक वर्ल्ड में, और मैं हूं रवि रंजन। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं 2022 का बेस्ट कॉमर्शियल ग्रेड डिस्प्ले फ्रीजर के बारे में आपको बताने जा रहा हूं कि कौन से ऐसे वो टॉप 5 डिस्प्ले फ्रीजर है जिसे आप अपने ग्रोसरी स्टोर या फिर मेडिकल स्टोर या फिर वेजिटेबल स्टोर के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर आपका टेक अवे है या फिर आपका रेस्टोरेंट है तो आपको वहां पर भी डिस्प्ले फ्रीजर की रिक्वायरमेंट रहती ही रहती है। कौन से ऐसे टॉप 5 डिस्प्ले चिलर्स हैं जो आप अपने स्टोर्स पे लगा सकते हैं, जो कि किफायती रेट में आपको मिल जाएंगे और साथ में जिसकी लाइफ भी काफी अधिक है। अगर आपके स्टोर पे काफी ज्यादा फुटफॉल है, डिस्प्ले फ्रीजर या चिलर्स की यूजेस काफी अधिक है, उस सिनेरियो में भी आपको कौन से ऐसे डिस्प्ले फ्रीजर लेनी चाहिए वो मैं इस वीडियोस में आपको बताऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक जरूर कर दीजिएगा, बिकॉज इस चैनल पे इसी टाइप के इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड होते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फिफ्थ नंबर पे आता है वोल्टास का VC220 कूलर। ये एक सॉफ्ट एस्थेटिक्स लुक्स प्रोवाइड करता है और साथ में आपको काफी बड़ा सा ग्लास डोर भी देखने को मिल जाएगा। ये एक ट्रॉपिकलाइज्ड कंप्रेसर के साथ प्रोवाइड किया जाता है और इसमें यूवी ग्रेड प्लास्टिक यूज किया गया हुआ है, जिसकी वजह से इसकी जो लाइफ है वो काफी लंबी हो जाती है। और ये इंटरनेशनल लेबोरेटरी सेविस परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट इसको मिला हुआ है, तो आप परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। और इसमें आपको देखने को मिल जाएगा एनवायरमेंट फ्रेंडली CFC फ्री इंसुलेशन और PUF थिकनेस भी जो है आपको 45 mm का देखने को मिलेगा। कैस्ट्रोल व्हील के साथ ये आता है, जिससे कि काफी आसानी हो जाती है एक जगह से दूसरे जगह इस वीसी कूलर को मूव करने में। सुकेन हैंडल्स भी इसमें देखने को मिल जाएगा, जिसकी वजह से आप बड़े आसानी से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। और साथ में ही डोर लॉक की भी सुविधा प्रोवाइड की गई है, जिससे आप अननेसेसरी एक्सेस को भी रोक सकते हैं। ये 220 लीटर के साइज में अवेलेबल है और जो टेम्परेचर रेंज आपको प्रोवाइड किया जाता है इस वीसी कूलर में वो 0 डिग्री सेल्सियस से 7 डिग्री सेल्सियस तक प्रोवाइड किया जाता है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी सेविंग भी काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल जाएगी, 40% तक की इलेक्ट्रिसिटी आप सेव कर सकते हैं। साथ में आपको लॉन्ग कूलिंग रिटेंशन भी इसमें मिल जाता है, जिसकी वजह से एक बार ये वीसी कूलर कूल हो जाए तो अपनी कूलिंग को काफ़ी लंबे टाइम तक ये सेफली रखता है और आपके प्रोडक्ट को भी कूल रख पाता है। 1 ईयर की कंप्रिहेंसिव वारंटी कंपनी इस पे प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से अगर आपके इस वीसी कूलर में 1 साल के अंदर किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम आता है तो कंपनी आपको फुल सपोर्ट प्रोवाइड कर देती है। बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके मार्केट का जो करेंट प्राइस है वो आप चेकआउट कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपने लोकल मार्केट में भी इसके बारे में पता कर सकते हैं। अगर आपको कोई अच्छी डील ऑफलाइन मार्केट में मिल रहा है तो आप वहां से भी परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज ऑनलाइन जो बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां से जाकर भी परचेज कर सकते हैं। अगर आप नया स्टोर स्टार्ट कर रहे हैं तो इस टाइप के वीसी कूलर के साथ आप जा सकते हैं। इनिशियल लेवल पे कम इन्वेस्टमेंट में एक अच्छा वीसी कूलर अगर आपको चाहिए तो आप इस वीसी कूलर को भी कंसीडर कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पे आता है ब्लू स्टार का VC325 वीसी कूलर। इसमें आपको ग्लास डोर देखने को मिल जाएगा, जो कि एक रिफ्लेक्टिव ग्लास है और सेल्फ क्लोजिंग डोर के साथ ये आपको मिलता है। साथ में ही लॉकिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड ये करता है। एडजस्टेबल सेल्फ आपको इसमें देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से आप अपने साइज के रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेल्फ को एडजस्ट कर सकते हैं। यूनिफॉर्म कूलिंग भी इसमें मिल जाती है। ये साइज जो है 320 लीटर का सिंगल डोर वीसी कूलर आपको देखने को मिलेगा और इसकी कूलिंग भी काफी अच्छी है। इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से जो है ये डिजाइन किया गया हुआ है। इसका कंप्रेसर, इसको बनाने में यूवी प्रोटेक्टेड गैल्वेनाइज्ड सीट जो है वो यूज किया गया हुआ है इंटीरियर और एक्सटीरियर में। लंबे टाइम के लिए इस कूलर को आप यूज कर सकते हैं। इस कूलर में आपको व्हील्स की फैसिलिटी देखने को नहीं मिलेगी,
ये एक खामी है इस कूलर में। अदरवाइज इस कूलर को आप लॉन्ग रन में अगर यूज करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट चॉइस बन सकती है। इसमें आपको एक लिट डिस्प्ले बोर्ड देखने को मिल जाएगा कूलर के टॉप में, जिसमें आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग भी करवा सकते हैं। मार्केट में ये कूलर भी काफ़ी यूज में लाया जाता है और इसका भी बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाके ऑनलाइन करेंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है ये आप चेकआउट कर सकते हैं। ऑफलाइन मार्केट में भी अगर कोई अच्छी डील आपको मिलती है तो आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। ये कूलर आप ग्रोसरी और टेक अवे वगैरह के लिए यूज में ले सकते हैं। थर्ड नंबर पे आता है रॉकवेल का RVC 390A VC कूलर। अगर आप एक अच्छा VC कूलर चाहते हैं, साथ में वो बजट में भी हो और उसका लुक और अपीयरेंस काफ़ी अच्छा हो, तो आप इस कूलर के साथ भी जा सकते हैं। इसकी जो खास बात है वो यह है कि इंटरनल LED के साथ ही आता है, जिसकी वजह से अंदर रखे हुए प्रोडक्ट की विजिबिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है, और साथ में ही इंटरनल एयर फ्लो इसमें काफ़ी अच्छा है, जिसकी वजह से आपके प्रोडक्ट बहुत जल्दी जो है वो ठंडा हो जाते हैं, यानी कि फास्ट चिलिंग आपको देखने को मिल जाएगी। हैवी ड्यूटी कंप्रेसर है जो कि एक अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के आपको देता है। साथ में ही इसका डिजाइन काफ़ी अट्रैक्टिव है, स्लीक डिजाइन है। कहीं पर भी अगर आप इसको रखेंगे तो एक अच्छे विजिबिलिटी के साथ ये प्रोडक्ट को पेश करता है। साथ में ही अगर इसकी पावर कंजम्पशन की बात करें तो ये काफ़ी ही एनर्जी एफिशिएंट कंप्रेसर के साथ आता है। कंपेयर टू दिस प्राइस रेंज 300 लीटर के VC कूलर अकॉर्डिंग ये पावर काफ़ी कम कंज्यूम करता है। साथ में ही जो साइज इसकी है, कैपेसिटी, वो 300 लीटर की है सिंगल डोर में, और ये जो टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है 2 डिग्री से लेके 8 डिग्री सेल्सियस तक ये मेंटेन करके रखता है। अगर आप रॉकवेल के इस VC चिलर के साथ अगर जाते हैं, ये एक अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आप एक अच्छे प्रोडक्ट और अच्छे प्राइस रेंज के साथ जाना चाहते हैं तो आप रॉकवेल के RVC 390A VC कूलर के साथ जा सकते हैं। इसका भी बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके मार्केट का जो करेंट प्राइस है वो आप चेकआउट कर सकते हैं। साथ में एक चीज़ और मैं बता दूं कि कंपनी ने काफ़ी छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखा है, जैसे इंटरनल LED, इंटरनल एयर फ्लो, इसकी एनर्जी एफिशिएंसी इंक्रीज हुई है, तो इन सब चीज़ों से ओवरऑल जो लुक एंड फील है इस VC कूलर का वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है और आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है, जिससे कि आपके ओवरऑल सेल पे काफ़ी फर्क आता है। और इसमें आपको बैकलिट कैनोपी भी देखने को मिल जाता है, वहाँ पर आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग भी कर सकते हैं। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो है इस VC कूलर को एक यूनिक VC कूलर बना देता है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट को ये VC कूलर मीट करता हो तो आप इस VC कूलर के साथ भी जा सकते हैं। सेकेंड नंबर पे आता है सेलफोर्स का FKG 320 VC कूलर। ये अपने सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट VC कूलर में से एक है, बिकॉज इसकी एनर्जी एफिशिएंसी भी काफ़ी अधिक है और साथ में इसका जो डिजाइन लुक है वो आपके सारे रिक्वायरमेंट को मीट करता है। एडजस्टेबल सेल्फ आपको देखने को मिल जाएगा, जिसकी मदद अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूटिलाइज कर पाएंगे। साथ में डोर लॉक विथ व्हील भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, यानी कि व्हील लेग भी आपको मिल जाएगा, जिससे आप बड़े आसानी से इस VC कूलर को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाएंगे। और साथ में डोर लॉक की भी फैसिलिटी आपको देखने को मिल रहा है। कंप्रेसर जो है डैनफोस और इम्ब्रेको का आपको देखने को मिलेगा। साथ में ही अपराइट चिलर इसमें मिलता है, जिसकी वजह से जो है प्रोडक्ट आपकी काफ़ी जल्दी ठंडे हो जाते हैं। ये एक ग्रेट VC कूलर है जनरल स्टोर के लिए, कैफे, सुपरमार्केट एंड कॉफ़ी शॉप्स के लिए, टेक अवे वगैरह के लिए। ग्लास डोर होने की वजह से आपकी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। VC कूलर जो है वो 300 लीटर स्पेस आपको प्रोवाइड करता है सिंगल डोर में। इसके अदर वेरियंट भी आते हैं, बट जिस सेगमेंट की हम बात कर रहे हैं सिंगल डोर की,
उसमें वन ऑफ द बेस्ट वेसिकुलर में से एक ये भी है। इसका भी बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके इस प्रोडक्ट का भी करेंट मार्केट प्राइस चेक कर सकते हैं। ये वेसिकुलर जो है एक फुल पैकेज है, इसमें आपको डोर लॉक भी मिल रहा है, व्हील्स लेग भी मिल रहे हैं, कंप्रेसर भी काफी अच्छा है, एडजस्टेबल सेल्फ्स भी आपको देखने को मिल रही है, साइज भी डिसेंट है, ऑलमोस्ट आपकी सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकता है। नंबर वन पे आता है वेस्टर्न का SRC 380 GL फ्रीजर्स। रिसी कूलर में ये अपने सेगमेंट में नंबर वन पे आता है। अगर इसकी बात करें तो ये एक यूनिक डिजाइन के साथ आता है, ग्लास डोर आपको देखने को मिल जाएगा, साथ में इनबिल्ड LED स्ट्रिप्स भी आपको अंदर देखने को मिल जाएगा, जिससे आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। साथ में ही आपको इसमें एडजस्टेबल सेल्फ देखने को मिलता है, जिससे आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेल्फ को ऊपर नीचे कर सकते हैं। और ये वर्टिकल रेफ्रिजरेटर जो है वो क्लीन बैक के साथ आता है, यानी कि बैक साइड में भी आपको कुछ भी ओपन नहीं दिखेगा और सारा का सारा ही कवर रहेगा, कुछ भी ओपन नहीं आपको देखने को मिलेगा। रोलर यानी कि व्हील्स लेग के साथ आता है, जिसकी वजह से आप इसे बड़े आसानी से मूव कर सकते हैं। बोतल ओपनर भी यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा, साथ में ही क्राउन होल्डर भी आपको मिल जाता है। इस डिस्प्ले रेफ्रिजरेटर की अगर क्वांटिटी इनसाइड की बात करें, 300 ml बोतल जो है वो 264 नंबर्स इसमें बड़े आसानी से आ जाते हैं, साथ में 330 ml का कैन जो है 434 नंबर्स के कैंस आप इसमें लगा सकते हैं, 500 ml का पिट जो है आप इसमें 224 नंबर्स तक एक बार में लगा सकते हैं। अगर टेम्परेचर रेंज की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छा प्रोवाइड आपको करता है, 0 to 10 degrees Celsius तक ये टेम्परेचर मेंटेन करके आपको देता है। साथ में एनर्जी एफिशिएंसी की अगर बात करें तो वन ऑफ द बेस्ट एनर्जी एफिशिएंट वीसी चिलर्स है ये। वेस्टर्न जो है अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए जाना जाता है, वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी ये आपको प्रोवाइड करता है, चाहे एक्सटर्नल की हो, चाहे कंप्रेसर की हो, चाहे ग्लास की हो, हर चीज़ जो है बेस्ट क्वालिटी आपको प्रोवाइड करेगा। साथ में अगर कैपेसिटी की बात करें तो 380 लीटर्स की कैपेसिटी के साथ ये वीसी कूलर वेस्टर्न जो है प्रोवाइड करता है। और अगर आप थोड़ा मिड साइज के वीसी कूलर के लिए सोच रहे हैं तो ये वीसी कूलर आपके लिए बेस्ट वीसी कूलर्स में से एक है, आप इसके साथ भी जा सकते हैं। बाय लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर आप ऑनलाइन मार्केट प्राइस इसका चेक कर सकते हैं, जो भी करेंट रनिंग मार्केट प्राइस होगा वो आपको पता चल जाएगा। साथ में ऑफलाइन मार्केट में भी आप इसको देख सकते हैं, अगर वहां पर अच्छा डील मिलता है तो आप वहीं से परचेज कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलता हूं आपसे नए वीडियोज में किसी नए टॉपिक्स पे, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते।